नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज लेके चलते हैं चंडीगढ़। ये हमारा छठ का दूसरा ब्लॉग है। आपको दिखाएंगे चंडीगढ़ का छठ कैसे मनाया जाता है। आपने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता हर जगह का छठ देखा है। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को नए वीडियो देखने के लिए। ये चंडीगढ़ हम पहुंच गए। चंडीगढ़ का ये 42 न्यू लेक का है। ये देखिए कितना शानदार पंडाल बना हुआ है। इसमें प्रोग्राम होता है छठ मैया का, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चाय भी दिया जाता है। बहुत सारे स्टॉल लगता है यहाँ पे पूर्वांचल शक्ति की ओर से, जो अलग अलग संस्थाएं हैं पूर्वांचल शक्ति के, उनकी ओर से 1 रुपये भी नहीं लगता है चाय का, बिस्कुट का, पकोड़े का। हर चीज़ अपने श्रद्धा अनुसार हर इंसान वहाँ पे हेल्प करता है। बने रहिए आप हमारे चैनल पे। भगवान देखिए यही होता है सबसे बड़ा कर्म, ये सब यही कर्म कर रहे हैं, इसी का फल कहते हैं ना, सबर का फल मीठा होता है। इंसान कर्म करता है उसका फल ज़रूर मिलता है। अच्छा करता है जब अच्छाई, बुराई करता है जब बुराई। ये अच्छे करते हैं जब इनको अच्छा ही होगा कल को। मुश्किल हो गया क्योंकि कहीं पर भी जाओ ब्लॉग बनाओ तो उसमें गाना जरूर कहीं ना कहीं बजता रहता है, और इसके वजह से सबसे ख़राब मुझे लगता है यूट्यूब वाले की तरफ से कॉपीराइट मार देता है। इतना मेहनत से वीडियो बना उस पर कॉपीराइट आ जाता है। कॉपीराइट तो उस पर आना चाहिए, कॉपीराइट यानी मतलब कि किसी का लेके बना रहे हो वो चीज़। अब बताओ गाना पीछे बजता है उसका, ब्लॉगर उसे क्या मतलब होता है। ब्लॉगर तो अपना मेहनत करके बनाता है, लेकिन कोई गाना बज रहा हो तो उसमें उसकी क्या गलती है। जानबूझ के बना रहा हो, गाना बजा रहा हो तो अलग बात है। तो मेरा यूट्यूब से ये रिक्वेस्ट है कि ये कॉपीराइट का सिस्टम ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत दिक्कत होता है। कहीं भी अगर वीडियो बनाने चले जाओ कहीं ना कहीं कोई ना कोई सा गाना बजता ही रहता है। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह सुनसान ही रहता है, कहीं ना कहीं कोई बाइक पे चला रहा है, कोई गाड़ी पे चला रहा है, कोई कहीं चला रहा है, कोई दुकान में चला रहा है, और उसके वजह से यूट्यूबर जो होता है उनको दिक्कत हो जाता है बहुत। इसलिए हम चलिए लौट के आते हैं हम चंडीगढ़ के जो फेमस छठ घाट है 42 सेक्टर, वहाँ ले चलते हैं आपको। ये देखिए स्टेज इतना बढ़िया रहता है और सब मनोरंजन बहुत करते हैं। त्यौहार आता ही एंजॉय के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, लेकिन इस मौज मस्ती के बीच में कुछ लफंगे भी हो जाते हैं जो हुड़दंग मचाते हैं। उनसे भी निवेदन करूंगा कि अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने गांव समाज का नाम ना ख़राब करें। मैं ऐसे ही जब रामलीला भी देखने गया वहाँ भी कुछ लफंगे आ गए थे और वहाँ पे हुड़दंग मचा रहे थे। अगर मैं पुलिस में होता या कोई नेता होता तो इनका पिछवाड़ा लाल कर देता पकड़ के, क्योंकि इससे गांव समाज का भी नाम ख़राब होता है, जो जिसने जन्म दिया उनका नाम तो ख़राब होता ही होता है। आपको सुबह के बाद बता रहा हूँ, सुबह में किसी ने छठ बस्ती पर बम फेंक दिया था और बेचारा बेहोश हो गया था, इतना दूर में था कहाँ उसको उठा के ले गया। ये बताइए कि उससे क्या उसको मौज मस्ती मिला। ये ऐसे ऐसे उड़दमियों को तो ऐसे ही लाभ होना चाहिए ना कि चार का पिछवाड़ा लाल कर दो बाकी सब ठीक हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर करें, जिससे यंग जनरेशन को मोटिवेशन मिले कि अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म ना करो। बुरा कर्म करने से माँ बाप का सर नीचे होता है, गाँव समाज का सर नीचे होता है, जिस जगह का उसका तो होता ही है। क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि मेरा गली, मेरा मोहल्ला, मेरा जगह का नाम खराब हो। ये देखिए यहाँ का सजावट, मेले की तरह ही होता है। गांधी चक
छम छम नाच रहे हैं मोर, सखियों की पाल का शोर, छम छम नाच रहे हैं मोर, लाखों चांद गगन पे चमके, रास जाए रास जाए राधा के संग रास बिहारी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद वंदे मातरम। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। Thank you.